हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजू हलवाई। आज मैं बताने जा रहा हूँ अपनी दुकान के फूले फूले भटूरे की रेसिपी। इस वीडियो में आपको 7 सीक्रेट बताऊंगा। इसको जानने के बाद आप भटूरा बनाने में एक्सपर्ट बन जाइएगा, आपका सारा भटूरा फूलेगा। चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले एक गमला ले लें कठौती, और इसमें 1/2 kg मैदा चला हुआ है, साफ़ सुथरा मैदा होना चाहिए। चाल मैदा साफ़ सुथरा होना चाहिए, चाल लेना है। बरसात का मौसम है, जान सकते हैं आप, कीड़ा भी हो सकता है बरसात में, इसलिए मैदा को चाल लेना है सबसे पहले। ये मैदा मेरा चला हुआ है 1/2 kg मैदा। इसमें थोड़ा चीनी, देख सकते हैं इतना चीनी देना है, ज़्यादा चीनी नहीं देना है। ज़्यादा चीनी डालिएगा तो आपको भटूरा लाल हो जाएगा, आपका फूलेगा नहीं, तुरंत लाल हो जाएगा तो फूलेगा नहीं। थोड़ा सा सोडा 1 चुटकी, 2 चम्मच दही, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा रिफाइंड देना जरूरी है, इतना रिफाइंड देना है, 2 चम्मच छोटा चम्मच। सबसे पहला बात, इसमें सारा पानी एक बार नहीं डालना है, धीरे धीरे पानी डालना है। ज़्यादा पानी डालिएगा तो आपका मैदा गीला हो जाएगा, ज़्यादा गीला नहीं करना है, हल्का पानी डालना है, फिर गूंदना है, फिर ज़रूरत पड़ेगा तो फिर आप पानी डालिएगा। इस तरह से इसको मिला ले सारा अच्छे से, और ज़्यादा मथना नहीं आटा मैदा को, चिम्मर हो जाएगा ज़्यादा मथिएगा तो। इस तरह से हाथ से लेना है, ये होता है कि ऐसे ऐसे पूरा मसल रहे हैं, उस तरह से मसलना नहीं है, हल्का हल्का पानी डाल के मिलाना है कि आपका मैदा बढ़िया से गूंद आ जाए। इस तरह से जितना अच्छा आपका मैदा सनाएगा उतना अच्छा भटूरा आपका बनेगा। और ज़्यादा पानी नहीं देना है, एकदम ज़्यादा कड़ा भी नहीं सानना आपको, और ज़्यादा गीला भी नहीं सानना है। आपका देखिए मैदा गूंदा चुका है। अब इसमें पहला सीक्रेट है कि इसमें थोड़ा सा हल्का हाथ में तेल लगा लेना है। अब जैसे देखते हैं बर्तन में चिपक जाता है, मेरा बर्तन साफ़ सुथरा है, थोड़ा सा तेल लगा लेना है मैदा में भी हाथ में भी, हल्का हल्का, ज़्यादा तेल नहीं। और पहला सीक्रेट, इसको पटकना ज़रूरी है, 8 से 10 बार पटकना है, आपका भटूरा पूरा सॉफ्ट होगा और फूलेगा। इससे मलार नहीं देना है, इसको पटकना है, मलार देने से आपका मैदा चिम्मर हो जाता है, इसलिए मलार नहीं देना है। पटक के इसको अच्छे से गोल करके इस तरह से इसको लगभग 10 से 15 मिनट साफ कपड़ा से झाँप के छोड़ दें। दूसरा सीक्रेट, इसमें थोड़ा सा तेल लगा देंगे, लगा के इसको कपड़ा साफ कपड़ा से, भिंजा हुआ कपड़ा से, हल्का पानी से गाड़ देना है, पानी इसको ढक देना है 10 से 15 मिनट के लिए। अब इसको ढक दें साफ सुथरा कपड़ा से, देख सकते हैं साफ कपड़ा है, इसको ढक दें 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट के बाद इसका गोली काटेंगे, आपको दिखाएंगे काटते हुए। 15 मिनट के बाद मैदा आपका कम देख सकते हैं मुलायम हो चुका है। तीसरा सिगरेट, आप लोग गोली काटते इस तरह से, इस तरह से नहीं काटना है आपको, इस तरह से काटना है गोली, इस तरह से कि पेच ना हो मैदा में, इस तरह से काटना है और इसको इस तरह से गोल कर लेना है। देख सकते हैं पेच नहीं है, एकदम प्लेन होना चाहिए इसका इससे आप भटूरा आपका फटेगा नहीं, फटेगा नहीं तो भटूरा आपका फर्स्ट क्लास फूलेगा। सारा गोली तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं एक साइज में। और अब आ गया बारी चौथा सीक्रेट के लिए। सबसे पहला बात, आपका मैदा सूखना नहीं चाहिए, इससे सूखेगा तो आपका भटूरा फटरा फटरा होगा, भटूरा आपका फूलेगा नहीं। इससे लिए इसके लिए क्या करना है आपको, तेल थोड़ा सा हाथ में लगा लेना है, पूरा लोई में बढ़िया से लगा देना है, लगा के और एक साफ कपड़ा भिंजा के हल्का पूरा गाड़ के इसको ढक देना है। चलिए अब इसको हम ढक देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, इसके बाद आपको भटूरा बना के दिखाएंगे, बेल के फुला के दिखाएंगे आपको। अब आपको बता देते हैं ढकने के बाद पाँचवा सीक्रेट, आपको अक्सर शिकायत रहता है कि आपका भटूरा सुकर जाता है, बेलते हैं और छोटा हो जाता है भटूरा, इसके लिए आपको क्या करना है, आप इसको भटूरा को कम से कम 15 से 20 मिनट लोई काट के ढक देना है, इसके बाद बेलना, तुरंत काट के तुरंत बेलना नहीं है आपका भटूरा, इससे तुरंत काटिएगा, तुरंत बेलिएगा तो आपका भटूरा सुकर जाएगा,
पिलिए का बड़ा हो जाएगा छोटा, इसलिए आपको 10 से 15 मिनट इसको ढक के लुई काटने के बाद तेल लगाने के बाद 10 से 15 मिनट इसको ढक देना है। उसके बाद आप भटूरा बेलें, कभी नहीं सुखरेगा आपका भटूरा। जब तक आपका मैदा फूल रहा है, अब उसके लिए हम भटूरा छानने के लिए तेल चला लेते हैं कढ़ाई में। देख ले, कढ़ाई इस तरह से है, लोहा का कढ़ाई है, आप कोई भी कढ़ाई में बना सकते हैं। तेल इसमें गर्म कर लेते हैं, काहे कि तेल गर्म होने में समय लगेगा। आपको एक बोनस सीक्रेट बताने जा रहे हैं कि आपको कढ़ाई में ध्यान देना है कि तेल इतना होना चाहिए कि भटूरा में आप अच्छे से चढ़ा सकें। जब तक आपका भटूरा में तेल नहीं चढ़ेगा ऊपर, आपका भटूरा नहीं फूलेगा, कहीं पे पचकाव रहेगा, कहीं कुछ रहेगा, इसलिए भटूरा पे पूरा तेल छनोटा से जाना चाहिए, तब आपका भटूरा फूलेगा, एकदम एक समान फूलेगा। लगभग 1 लीटर तेल चढ़ा चुके हैं गर्म होने के लिए, तेल को गर्म होने दें। तब तक चलिए भटूरा बेल लेते हैं हम। 15 से 20 मिनट हो चुका है, देख सकते हैं आपका गुल्ली तैयार हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है, देख सकते हैं इस तरह से सॉफ्ट हो चुका है। जिस पे बेलिएगा थोड़ा सा तेल लगा लें, पत्थर हो या पाटा हो आपके पास, पाटा पे और बेलन में तेल लगा लें। इससे क्या होगा, आपका भटूरा सटेगा नहीं। और हल्के हाथ से तबना है इस तरह से और बेलना है। ध्यान देना है कि आपका भटूरा फटे नहीं और मोटा पतला ना हो, एक समान बेलना चाहिए, बेलाना चाहिए। आपका भटूरा एकदम सुखरेगा नहीं, देख सकते मेरा भटूरा नहीं सुखर रहा है, आपका भी नहीं सुखरेगा और फर्स्ट क्लास भटूरा बनेगा आपका। इस तरह से सारा भटूरा बेल लेना है। और गोल, आपको गोल चाहिए तो गोल भी बेल सकते हैं, लेकिन भटूरा का आकार इसी तरह से आता है, अंडा आकार, इस तरह से बेलना है भटूरा आपको। छठा सीक्रेट, आपको तेल एकदम गर्म होना चाहिए, धुआं निकलना चाहिए। अब इससे घबराएं नहीं कि आप धुआं निकल रहा तो आग लग जाएगा, ये हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा जब तक धुआं नहीं निकलेगा आपका भटूरा नहीं फूलेगा। तेल एकदम गर्म होना चाहिए, थोड़ा सा तापमान तेज होना चाहिए तेल का, कि आपका भटूरा फूलेगा एकदम। छठा सीक्रेट है, देख सकते हैं धुआं निकल चुका है, धुआं निकल रहा है। अब भटूरा को उठाएंगे, अब डालेंगे इसमें। सातवां सीक्रेट, इसको इस तरह से दाबें और पलट दें, पलट के तेल चढ़ाएं, आपका भटूरा फूलेगा ही बिल्कुल गुब्बारे के तरह। देख सकते हैं भटूरा फूल चुका है।